ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने छह राशियों की बात की थी, चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वाले जातकों के बारे में। तुला राशि की बात कर लेते हैं, आज होने वाली कोई महत्वपूर्ण बातचीत एक क्लियर आज आपको संकेत दे सकती है, स्पष्ट संकेत कि आपके भविष्य की आने वाले दिनों में दिशा क्या होगी। अच्छे दिन के बावजूद दिल और दिमाग अलग अलग बातें कर सकते हैं, वो अक्सर होता रहता है हम लोगों के साथ में, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। तो आज अगर ऐसी सिचुएशन हो तो कोई भी डिसीजन सावधानी से कीजिएगा। हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो वृश्चिक राशि, अपनी मेहनत से सभी कामों को सरलता से आज आप कर सकते हैं, और यदि कोई गलती हो भी जाए आज काम में तो बड़ी विनम्रता से उसको स्वीकार लीजिएगा। सरकार या सरकारी अधिकारियों का सहयोग मिल सकता है, झगड़े में नहीं फंसना है। माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत करेंगे, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि धनु राशि, आपके लिए आज कुछ महत्वपूर्ण नई परिस्थितियां बन सकती हैं, इंपॉर्टेंट सिचुएशंस आज हो सकती हैं, बिजनेस में लाभ होगा। और आज जो भी आपके साथ अच्छा होता हुआ नजर आए, सकारात्मक होता हुआ नजर आए, तो अपने दिल की बात अपने दिल में रख लीजिएगा, किसी को बताइएगा मत, कई बार बताने से भी गड़बड़ हो जाता है। सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्थ प्रदान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम दिन राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक जुड़े हैं अविनाश हैं कोटा से, जन्म की तारीख है इनकी 24/8/94 और जन्म का समय है सुबह का 5:20। जी अविनाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, सवाल पूछिए। अविनाश जी सवाल पूछिए अपना। राधे राधे। श्री राधे राधे श्री राधे, बोलिए बेटा। मुझे अपनी नौकरी के बारे में पूछना है। क्या करा है तुमने, पढ़ाई क्या करी है? मैंने ग्रेजुएशन आईटीआई और पॉलिटेक्निक चल रही है। अभी क्या कर रहे हो? अभी प्रेजेंट टाइम पॉलिटेक्निक चल रही है। कब पूरी होगी? ये अगले साल दिसंबर 2017 को बुध की महादशा राहु का अंतर खत्म हो जाएगा और बुध की महादशा गुरु का अंतर शुरू हो जाएगा। आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय कब से? 15 दिसंबर 2017 से 2020 तक चलेगा। आपकी कुंडली अच्छी है, आपके भाग्य स्थान का जो मालिक है गुरु वो बहुत अच्छा है। निश्चित तौर पे आगे आने वाले समय में आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, सब कुछ बढ़िया आपकी जन्म कुंडली के अंदर। प्रॉब्लम ये है कि शुक्र नीच का है। शुक्र की शांति के लिए एक पन्ना रत्न सीधे हाथ में धारण करें, 5.25 रत्ती का सोने में सीधे हाथ में पन्ना रत्न। बुधवार के दिन, हर बुधवार को आपको गणपति के दर्शन करने हैं, हर बुधवार को गौ माता की सेवा अवश्य करनी है, साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान करना है। अच्छी नौकरी जो आपको लगेगी वो लगेगी दिसंबर 2017 यानी 2018 के अंदर आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। कुंडली बहुत अच्छी है और किसी भी तरह का कोई दोष नहीं है। बाकी संभव हो जो मैंने आपको उपाय बताएं वो करिएगा, उनसे आपको निश्चित तौर पर फायदा होगा। तो चलिए दर्शकों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं अंतिम तीन राशियों की, जो कि मकर कुंभ और मीन राशि। मकर राशि की बात कर लेते हैं, हमारे जो दर्शक हैं आज अपने कामकाज में पूरी पारदर्शिता बरतिएगा, ईमानदारी रखिएगा, जो भी काम करें उसके ऊपर किसी को उंगली उठाने का मौका मत दीजिएगा, जोखिम भरे निवेश मत कीजिएगा। आज आज के दिन की सफलता के लिए संतोषी माता की पूजा करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में, कुछ नए अवसर आज आपको मिल सकते हैं। ये नए अवसर कुछ घटनाओं के रूप में होंगे और उन घटनाओं से आपको अपने लिए आगे बढ़ने का मौका ढूंढना पड़ेगा। भगवान कहता है मैंने तेरे लिए चल तू रोटी की थाली रख दी, अब खा तो अपने हाथ से ले कि वो भी मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो जिंदगी में मौके ढूंढने पड़ते हैं, भगवान ने व्यवस्था कर दी है, अब आगे बढ़ो तो मौके ढूंढो तो कुछ मिले आपको, बैठे बैठे ही सब हो जाए ऐसी थोड़ी ना होता। व्यवसायिक लाभ में वृद्धि होगी और माता के मंदिर में कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अंतिम जो राशि मीन राशि, आज अगर कोई काम थोड़ा रुक जाए तो हताश होने की जरूरत नहीं है,
गुंजाइश बाकी है मेरे दोस्त। किसी नए तरीके से काम को करने का प्रयास करोगे तो अटका हुआ काम भी आज बन सकता है। अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दर्शकों, ही तो हमने बात की आज के दैनिक राशिफल के बारे में। चलिए बिगल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कुछ खास लेकर आया आप सभी के लिए। हर इंसान का एक सपना होता है। क्या उसका एक सपना होता है? कि उसका एक सुंदर सा घर हो, सुंदर सी पत्नी हो, सुंदर से बच्चे हो, जिसमें अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चे के साथ सुकून से रह सके। तो क्या आप चाहते हैं कि आपका अपना घर हो, सुंदर सा घर हो, सुंदर सी पत्नी हो, सुंदर से बच्चे हो? कौन नहीं चाहता भाई, सभी चाहते हैं। पंडित जी आप पूछ रहे हो हमसे, लेकिन सभी चाहते हैं। तो आने वाले सोमवार को पड़ने वाले चूड़ा मणि चंद्र ग्रहण के अवसर पर एक दुर्लभ उपाय आज मैं आपको बता रहा हूं। इस उपाय को करने से चंद्र ग्रहण का मौका हो और ये उपाय हो निश्चित तौर पे हमारे उन दशकों का जिनका अपना घर नहीं है, अपनी पत्नी नहीं है, अपने बच्चे नहीं है, उन सबके सपने पूर्ण हो सकते हैं। तो करना क्या है सुन लीजिए, समझ लीजिए, लिख लीजिए। ग्रहण काल शुरू होगा उससे पहले नहाकर सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए। ग्रहण काल से पहले स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कर लीजिए। उसके बाद ऊन या कुशा के आसन के ऊपर उत्तर की दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने एक थाली प्लेट रख लीजिए। उसके बाद एक भोजपत्र ले लीजिएगा। उस भोजपत्र पे अपने स्वयं के मकान होने की, सुंदर पत्नी होने की, सुंदर बच्चे होने की मनोकामना केसर से लिख दीजिए। केसर की कलम से लिख दीजिए उसको और उस प्लेट में उस भोजपत्र को रख दीजिए। अब 108 बार जो मंत्र आपको बता रहा हूं उस मंत्र का जाप कर लीजिए। बड़ा सरल तीन शब्दों का मंत्र है, ओम देवोत्थाय नमः, ओम देवोत्थाय नमः, ओम देवोत्थाय नमः। 108 बार इस मंत्र का जाप कर लीजिए। एक मोती शंख ले लीजिए, उसे भोजपत्र में लपेटकर घर से दूर किसी बड़ के पेड़ के नीचे रख के आ जाइए। भगवान ने चाहा तो निश्चित तौर पे जल्द ही आपके सुंदर से मकान का सपना, सुंदर सी पत्नी का सपना, सुंदर से बच्चों का सपना पूर्ण होगा। ये तो हुआ एक उपाय। वहीं यदि आप अंबानीज बनना चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, खरबपति, आजकल करोड़पति की तो बात कोई करता ही नहीं, अरबपति खरबपति की बात करिए पंडित जी, करोड़पति तो आजकल सब हर आदमी बन गया है। तो यदि आप खरबपति बनना चाहते हैं, अंबानीज बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, लक्ष्मीवान बनना चाहते हैं, तो इस बार का चंद्र ग्रहण आपको अंबानीज बना सकता है, धनवान बना सकता है, लक्ष्मीवान बना सकता है, खरबपति बना सकता है। जानिए कैसे, समझ लीजिए। चंद्र ग्रहण के पूर्व नहाकर साफ पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए। ग्रहण काल शुरू होने पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके कुशा के आसन पर बैठ जाइए। अपने सामने एक बाजोट पर एक थाली में केसर का स्वस्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र स्थापित कर दीजिए। उसके बाद सामने एक दिव्य शंख थाली में स्थापित कर दीजिए। थोड़े से अक्षत को केसर में रंगकर दिव्य शंख में डाल दीजिए। घी का दीपक जलाकर एक मंत्र में आपको बता रहा हूँ, कमल गट्टे की माला से कम 11 माला कर लीजिए। आपके टीवी स्क्रीन पे मंत्र आ रहा है, लिख लीजिए। अर्पित बाबू से बोलूंगा कि हम दो बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। अर्पित बाबू आप भी सुन लीजिएगा। सिद्धि बुद्धि प्रदाय देवी मुक्ति, मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुदे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदाय देवी मुक्ति, मुक्ति प्रदायिनी मंत्र पुदे सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। तो मंत्र जाप के पश्चात इस पूरी पूजन सामग्री को किसी बहते हुए पानी में, नदी में, तालाब में, पोखर में विसर्जित कर दीजिए। निश्चित तौर पर इस प्रयोग के बाद चूड़ामणि चंद्र ग्रहण के आशीर्वाद से छप्पड़ फाड़ के आपको धन की लाभ होगा,
अंबानीज बनने में आपको कोई नहीं रोक सकता है, खरबपति बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता है, यह हमारा दावा है। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो दर्शकों, आप सभी सोमवार से शुक्रवार हमें कॉल कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी समस्याओं के आसान से हल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।